बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप दुनिया के उन टॉप लोगों में शुमार हो जाना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने पास दौलत रखते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो, आपके पास बहुत सारी डिग्रियाँ हों। ये बात आज की वीडियो में हम साबित करेंगे कि किस तरह से चाइना के एक छोटे से मिडिल मैन ने अपने आप को एशिया का अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार किया। चाइना के जैक मा जो के स्कूल में टीचर थे, मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इतना कमा सकते थे कि घर के जो अखराजात थे वो बड़ी मुश्किल से पूरे करते थे। वो एक किराए के घर में रहते थे और उनका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से होता था। जैक मा ने फिर ये सोचा कि क्यों ना इस दुनिया के पढ़े लिखे और माहरीन को इस्तेमाल किया जाए और उनके ज़रिए अपने आप अपने अंदर टैलेंट के लोहे को मनवाया जाए। जैक मा ने फिर मेहनत की और अपनी एक कंपनी बनाई जिसके ज़रिए उन्होंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंजीनियर्स का अपने मातहत काम करने पर मजबूर किया। फिर वो एक दिन आया जब जैक मा एशिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। ये चीज़ हकीकत है, अगर आपके पास टैलेंट है, आप काम करना जानते हैं, आप काम कर सकते हैं, तो आप लोगों को इस्तेमाल करके भी बग़ैर बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों के आप दुनिया के बेहतरीन और कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। ये बात जैक मा ने साबित की है। दोस्तों, हमें हमेशा सिर्फ नौकरी के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, अपने अंदर मौजूद टैलेंट को आजमाना चाहिए। हमें उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में माहरीन हैं, जो किसी भी शोबे में अपने में माहिर हैं। उन लोगों को इस्तेमाल करके भी आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं और आपका शुमार भी दुनिया और एशिया के उन तमाम लोगों में हो सकता है जो आजकल अमीर तरीन लोग हैं। दोस्तों, एक चीज़ हकीकत है कि मेहनत इंसान को बदल देती है और ये हमने होते हुए देखा।